क्या होगा अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन के दौरान बीच में होश आ जाता है तो? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन के बीच में होश आ जाता है तो पेशेंट के साथ कुछ अजीबोगरीब घटना हो सकती है। लेकिन इसी सवाल का जवाब पाने के लिए सबसे पहले आपको 8 साल पीछे जाना होगा। बात है 2014 की, जिसमें एक पेशेंट अपनी आपबीती सुनाता है और कहता है कि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। और आगे वो पेशेंट बताता है कि जब मेरे कान में असहनीय दर्द होता था, कारण था कान के पर्दे में छेद का होना, जिसकी वजह से उसमें अक्सर इन्फेक्शन हो जाता था, तो दर्द होना स्वाभाविक था। और जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन का सुझाव दिया। वैसे मुझे इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता था, तो ऑपरेशन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। दर्द जब असहनीय होता था और कोई चारा भी नहीं था, रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार ही मर लिया जाए, क्योंकि ऑपरेशन नाम ही ऐसा है जो डर पैदा करता है। तो हमने भी ऑपरेशन की सारी तैयारियां कर ली और निकल गए ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने कुछ जांचे की, फिर हमें नए हरे हरे कपड़े पहनाए गए। फिर हमें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया। मैं नए नए हरे कपड़ों में आराम से खड़ा था। ऑपरेशन थिएटर में जाने पर नर्स ने मुझे बेड पर लेटने को कहा। नर्स की बात माननी पड़ी, फिर बेड पर लेट गई। मैडम इंजेक्शन निकाल लेती है। इंजेक्शन देखते ही हमारी हालत पतली हो जाती है। और इंजेक्शन को देखकर मैं मैडम से कहने लगा, मैडम चीर दो फाड़ दो मगर इंजेक्शन मत दो। नर्स बोली कि अरे घबराइए मत, दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कहा कि हुआ तो इंजेक्शन बाहर निकालना पड़ेगा। नर्स बोली हाँ क्यों नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। नर्स ने कहा कान उधर करो। मैंने सोचा ये इंजेक्शन कान में लगने वाला है। नर्स ने कहा बेटा ये कान को सुन्न करने के लिए होता है। इसके बाद डॉक्टरों ने मेरे हाथ और पैर रबड़ बैंड से वहां पर बांध दिए और एक ड्रिप हाथ पर शुरू हो चुकी थी। उपकरण मेरे हृदय, पैर के अंगूठे और हाथ की उंगलियों पर जोड़े गए थे। जैसे जैसे मेरी हार्ट बीट बढ़ती जाती थी, उसके अनुसार मशीन से बीप की आवाज आ रही थी। दोस्तों अब आपको मिलने वाला है आपके क्वेश्चंस का आंसर। दोस्तों मुझे एक इंजेक्शन और दिया जाता है, जिस पर ड्रिप वाली जगह मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सोने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैंने आंखें बंद कर ली, पता नहीं आगे क्या हुआ। जब मैंने आंखें खोली तो कुछ नजारा अलग ही था। मेरे कान में अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जैसे लोहा काटने वाली मशीन से लोहा काटा जा रहा था, ऐसी आवाजें आ रही थी। इस बात का डॉक्टर को अंदाजा ही नहीं था कि मैं जाग चुका हूँ। हालांकि मुझे न तो दर्द का अनुभव हुआ और न ही कान का, सब नॉर्मल लग रहा था। हाँ मुझे गुदगुदी सी हो रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा सर क्या मैं बोल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने पूछा सर कितना समय लगेगा कि सर नीचे से उबल रहा है? क्योंकि एक ही स्थिति में जब सर एक जगह पर रहता है तो सर बहुत गर्म हो चुका था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। डॉक्टर ने कहा बस थोड़ी देर और। फिर उन्होंने नर्स को बोला कि पेशेंट को होश आ गया है। फिर इंजेक्शन की थोड़ी सी डोज और दी गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि डॉक्टर मेरे सर को ऊपर करके पट्टी कर रहे थे। मजे की बात तो ये थी कि पूरे घटनाक्रम के दौरान मुझे सिर्फ इंजेक्शन से डर लगा, ना कि ऑपरेशन से। दोस्तों आपको बता दूं कि डॉक्टर जब ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देते हैं, तो वह उसकी डोज उसी हिसाब से देते हैं कि उन्हें मालूम होता है कि ऑपरेशन कितनी देर तक चलेगा और एनेस्थीसिया का असर कितनी देर तक रहेगा। मेरे अनुभव से अगर ऑपरेशन के दौरान किसी पेशेंट्स को होश आ जाता है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर को भी पता होता है कि पेशेंट को कितनी देर में होश आ जाएगा। और दोस्तों इसी माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम सबको, सभी डॉक्टर्स को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही ट्रीटमेंट करके हमें नया जीवन देते हैं और कोशिश करते हैं हमारे और आपके बेहतर स्वास्थ्य की।